उठाइए। राशिद भाई, एक चीज चल रही है कि ये चड्डी गैंग बोल के, तो इस मसले में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब चींटी को पर लगते हैं तो चींटी उड़ने की कोशिश करती और उसकी उड़ान एक हद तक महदूद रहती, चील का मुकाबला नहीं कर सकती। तो हाल हकीकत में जो ये चींटी कह रही है कि चड्डी गैंग कोई है बोलकर, उसको ये नहीं पता कि वो सच्चाई से कितनी दूर है। हाल हकीकत में चड्डी गैंग को देखना है तो दारुसलाम पहुंच जाओ। आरएसएस के सबसे ज्यादा चड्डियां कहीं बनते हैं तो दारुसलाम में बनते हैं। लगातार साल तमाम उनके कारकुनों का, उनके हायदीन का काम सिर्फ एक ही है, बोगस वोट बनाना, आरएसएस की चड्डियां बनाना। और जैसा कोई भी रियासत में इंतखाब आ जाता, आरएसएस की चड्डियां बनाते, आरएसएस की चड्डियां पहन लेते, वो रियासत में जाते, मुसलमानों के वोट तकसीम करते और बीजेपी को फायदा पहुंचाते। अभी भी चड्डियों का काम जोरदार तरीके से चल रहा दारुसलाम में। थैंक यू। लोकसभा का इलेक्शन आ रहा, जल्दी जल्दी चड्डियां पहनने का है, पहनने के भागना है, ये वो रियासत में जाके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है और बीजेपी को फतेहयाब करना है। तो लिहाज रखो बच्चे, ज्यादा बात करने की कोशिश मत करो। तो हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं, हमारे अल्फाजों से आपको इतनी तकलीफ होगी कि आप समझ नहीं सकेंगे। लिहाजा बातचीत बड़ी नको करो, काम करो। आप भी अल्फाजों से पहचाना नहीं आता, अपने काम की बुनियाद से पहचाना जाता। काम करो, लफाजी करने की कोशिश करो। तो लफाजी अगर से करने की कोशिश करी तो पीएचडी है, हम तकरीरों के पीएचडी किए हुए हम, तो हमारे मुंह को मत लगो। काम करो, अच्छे काम करो, आवाम के दरमियान में रहो, नेकी कमाओ, खिदमत करो और अपनी जवाब को मजबूत करने की कोशिश करो, ना कि लफाजी करो ना तो तनकीद करो। और तनकीद करे तो सुनने वालों में तो सुनेंगे ना, पहले सुने ना आज सुनेंगे ना आगे भी सुनेंगे। जय कांग्रेस, जय हिंद।